हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 13 फरवरी 2018 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम द हिंदू की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ पीआईबी की न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। इसी के साथ कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए हमारी डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। आज एक्चुअली काफ़ी कोल्ड हो रखा है तो गले में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो आवाज़ वगैरह का थोड़ा इश्यू रह सकता है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले जो न्यूज़ है वो आई है आईआईपी के बारे में, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के बारे में। तो क्या है ये आईआईपी, इसके बारे में देख लेते हैं जल्दी से। देखो, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब है कि हमारे देश की इकोनॉमी में जो मेन इंडस्ट्रीज़ हैं ना, जो कोर इंडस्ट्रीज, जिनका काफ़ी अहम रोल है, क्योंकि देश की इकोनॉमी के लिए काफ़ी इंडस्ट्री अहम होती है, मतलब जिनका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन इंडस्ट्रीज़ हैं वो 8 इंडस्ट्रियों को कहते हैं कोर इंडस्ट्री। तो ये हमें बताना चाहिए कि 8 कोर कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका हमारी देश की इकोनॉमी में काफी अहम रोल होता है, मतलब काफी इंपॉर्टेंट है। तो 8 कोर इंडस्ट्री हैं वो इस प्रकार हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, दूसरी स्टील है, फिर तीसरी रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोयल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइजर उर्वरक। मतलब ये 8 कोर इंडस्ट्री में थोड़ा ध्यान होना चाहिए इनके बारे में। यूपीएससी इनके बारे में 2-3 बार क्वेश्चन पहले पूछ चुकी है, और यहाँ पर जो यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है तो वो पूछती है इनके वेटेज के बारे में कि सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे कम है, तो इस तरीके ये थोड़ा सिक्वेंस में बताना चाहिए। देखो, इलेक्ट्रिसिटी उसका वेटेज सबसे ज्यादा है, इसके बाद में फर्टिलाइजर उसका वेटेज सबसे कम है, और सेकंड लास्ट पे देखा जाए तो नेचुरल गैस का वेटेज कम है उसके बाद, और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे देखा जाए तो इधर स्टील का। तो देखो, ये आपको सीक्वेंस थोड़ी पता होनी चाहिए क्योंकि इस पे यूपीएससी ने 2-3 बार क्वेश्चन जो पूछ चुकी है। तो अभी जो रिसेंटली डाटा जारी किया गया है वो किया गया है सीएसओ के द्वारा, जो कि मेनली दिसंबर का डाटा जारी किया गया और जनवरी का कुछ डाटा है वो। तो देखो, डाटा वो सारा तो हमें इतना याद नहीं रखना है, बट मेनली डाटा में ये कहा गया है कि दिसंबर में जो आईएपी की ग्रोथ रेट है वो काफ़ी अच्छी रही है, 7.1% की बात है वो कही गई है। इसके बाद में बात कही गई है खुदरा महंगाई दर, मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में। तो देखो, ये दो चीज़ें इकोनॉमी की हैं, इनके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है, बट अभी यहाँ पे एक बार हम फिर इनको रिवाइज़ कर लेते हैं कि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होती है और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है। मतलब हमारे देश में गवर्नमेंट क्या है कि महंगाई को मापने के लिए 2 तरीके के मेजरमेंट यूज़ करती है, एक तो जो थोक से दो थोक डिटेल दो थोक की वस्तुएं होती हैं उनकी महंगाई चेक करने के लिए, और एक जो खुदरा मार्केट में चीज़ें मिलती हैं उनकी महंगाई चेक करने के लिए। तो जो खुदरा मार्केट में होती है उनको कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और जो होलसेल में होती है उनको कहते हैं थोक मूल्य सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो देखो, जो इसमें 2-3 चीज़ें में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं कि जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो WPI है वो जारी किया जाता है DIPP के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो DIPP के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है ये जारी किया जाता है वो क्या जाता है, CSO के द्वारा, सेंट्रल स्टेटिक्स और ऑफिस के द्वारा ये डाटा है वो जारी किया जाता है। और जो IAP के जो IAP का जो डाटा है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, वो भी CSO के द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये देखो कुछ बेसिक चीज़ें इन पे UPSC क्वेश्चंस पूछ सकती है, तो हमने इस चीज़ को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब इसके बाद में एक अगली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि कौन सी मिनिस्ट्री है। तो देखो, इसके लिए जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। तो ये हमें ध्यान रखना है कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा IAP का डाटा जारी किया जाता है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है, इसमें होलसेल के आधार पर जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी महंगाई दर चेक की जाती है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो CSO के द्वारा जारी की जाती है। और जो भी मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, मतलब जो RBI जो भी पॉलिसी वगैरह बनाती है वो बनाती है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखते हुए कि भाई कस्टमर को चीज़ें किस तरीके से मिल रही हैं, वहाँ पर कितनी महंगाई वगैरह है। तो अभी जनवरी के जो ये महीना है 2018 का, इसमें महंगाई है वो काफ़ी कम रही है, मतलब पिछले साल के कंपेरिज में अभी जो महंगाई रेट है वो रही है 5.707%। तो देखो सर, इतना डाटा तो हमें याद नहीं रख रहा, बट हमें ये चीज़ पता होना चाहिए जो हमने आप एक बार ब्रीफली डिस्कस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो मेनली है गढ़वाल राइफल इन्फेंट्री बटालियन के बारे में। तो इसमें न्यूज़ तो है ये है कि गढ़वाल राइफल जो इन्फेंट्री है, बटालियन है, उसका एक दल है वो दक्षिण सूडान में भेजा गया है, साउथ सूडान में भेजने की तैयारी करी है। सॉरी, भेजा नहीं गया, अभी गवर्नमेंट ने भेजने का प्लान बनाया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे है ना एक्चुअली युद्ध वगैरह की वजह से काफ़ी स्थिति खराब हो रही है, और वहाँ पे शांति स्थापित करनी है, इसलिए इंडिया वहाँ पे अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहता है, और इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा ये डिसीजन लेने की बात है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है वो होता है साउथ सूडान की लोकेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, UPSC पूछ सकती है। तो चलिए हम देखते हैं एक बार मैपिंग पे। ये है मेनली यहाँ पे अफ्रीका का मैप, और ये आप देख सकते हो, ये है साउथ सूडान वाला एरिया, ये साउथ सूडान मेनली कंट्री, पहले की कंट्री थी ये सूडान, उसके बाद इसका साउथ का हिस्सा लगा, तो ये हो गया साउथ सूडान। तो हमें एक तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी इंपोर्ट, UPSC के बारे से पूछ लेती है, तो अभी इंडिया यहाँ पे ऑपरेशन चला रहा है ओबियसली, तो हमारे लिए काफ़ी अहम हो जाता है कि साउथ सूडान है वो लैंडलॉक कंट्री है, सूडान इसकी पड़ोसी कंट्रीज, इतना सब हम याद नहीं देखने कौन कौन सी कंट्रीज यहाँ से, मतलब इसकी पड़ोसियाँ वगैरह, वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हमने एक बार डिस्कस किया था कि इसमें मेनली 4 कंट्रीज आती हैं, जिबूटी है यहाँ पे, सोमालिया है यहाँ पे, इथोपिया और यहाँ पे इरिट्रिया है। तो ये लोकेशन भी हमने एक बार डिस्कस कर ली है। अब चलते हैं हम आगे।
अगली जो न्यूज़ है वो आई है मुंबई के बारे में, कि मुंबई है वो वर्ल्ड की 12th रिचेस्ट सिटी है, मतलब 12वीं सबसे अमीर सिटी के बारे में मुंबई का जिक्र है वो हुआ है। तो यह किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की है वो देख लेते हैं। यह रिपोर्ट जारी की गई है, वो की गई है मेनली पब्लिश बाई न्यू वर्ल्ड वेल्थ के द्वारा। तो न्यू वर्ल्ड वेल्थ है उसके द्वारा यह रिपोर्ट पब्लिश की गई है, उसके द्वारा। इसमें किन पैरामीटर को देखा गया है? इसमें यह देखा गया है कि भाई एक सिटी के अंदर कैश कितना है, वहाँ पर इक्विटी कितनी है, प्रॉपर्टी वगैरह कितनी है, बिजनेस इंटरेस्ट वगैरह सब कितना है। और इसमें जो गवर्नमेंट्स की शेयर मार्केट है उनको यहाँ पर कैलकुलेट वगैरह वो नहीं किया गया। तो ये तो सब हमें नहीं देखना है, बट हमें ये थोड़ा ध्यान होना चाहिए कि इंडिया की एक सिटी है वो टॉप 15 रिचेस्ट सिटी में आती है, वो है मुंबई। तो इस चीज़ का हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। और आपको पता है कि मुंबई है वो इंडिया की फाइनेंस कैपिटल भी है, तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा पता होना चाहिए। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो ये फर्स्ट हिंदू टेम्पल इन अबू धाबी। तो ये चीज़ हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मिडिल ईस्ट के अंदर पहला हिंदू मंदिर है वो भी बनने जा रहा है, उसको लेके है न्यूज़ आई है। तो भारत के प्रधानमंत्री, आपको पता है कि मिडिल ईस्ट की यात्रा पे गए हुए थे और वापस लौटे, तो उसी मौके पर ये न्यूज़ आई है कि अबू धाबी में, मतलब मिडिल ईस्ट के अंदर पहला एक इंडिया का हिंदू टेम्पल है वो बनने जा रहा है, जो कि लॉर्ड कृष्ण को समर्पित है। तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जो हिंदू टेम्पल अभी रिसेंटली कहाँ बना है, तो ये ध्यान रखना है। सिटी का नाम वो है अलवादबा सिटी है मेनली अबू धाबी की कैपिटल में, इस सिटी के अंदर हिंदू टेम्पल वो बनने जा रहा है। और यह इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि मिडिल ईस्ट में पहला हिंदू टेम्पल वो बनने जा रहा है। लोकेशन एक बार हम देख लेते हैं मिडिल ईस्ट की, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम चलते हैं, चलो मिडिल ईस्ट की तरफ। ये है मेनली मिडिल ईस्ट का एरिया, आप देख लेते हैं, इसे अरबियन पेनसुला के नाम से भी जाना जाता है। तो एक बार इन सारी कंट्रीज़ की हम यहाँ पर लोकेशन चेक कर लेते, अच्छे से देख लेते हैं। ये यहाँ पे ओमान की है, जो कि मेनली आपको पता है कि यहाँ पर अरब सागर के टच कर रहे हैं, वहाँ यहाँ पे मस्कत इसकी कैपिटल। इसके बाद में यूएई है जिसमें अबू धाबी इसकी कैपिटल। यहाँ पे कतर है, छोटी सी कंट्री आइलैंड के टाइप में दिख रही है आपको। और यहाँ पे यमन है, ये यहाँ पे सऊदी अरब है। इसके बाद में सऊदी अरब के बाद में इधर है वो है इराक की लोकेशन है, यहाँ पर हम ईरान की लोकेशन देख रहे हैं। यहाँ पर ईरान में चाबहार पोर्ट है वो हमें पता है। यहाँ पर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पाकिस्तान में कौन सा, आई होप काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप तो आपको पता होगा गवादर पोर्ट है वो। तो ये थोड़ा हमें लोकेशन पता होना चाहिए। यहाँ पर जॉर्डन है, यहाँ पे इजराइल है, पेलेस्टीन है। तो लोकेशंस वगैरह हम देखो काफ़ी बार इनको डिस्कस कर चुके हैं, खैर आगे भी एक बार हम डिस्कस करेंगे, बट अभी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि जब न्यूज़ आई है तो क्यों ना हम साथ ही डिस्कस कर लें। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है लूज सिगरेट बैन के बारे में, मतलब जो खुली में जो सिगरेट मिलती हैं, जैसे कि पैकेट के अलावा जो सिगरेट मिलती हैं, एक सिगरेट दो सिगरेट, वो अभी बैन की गई है बिहार के द्वारा। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप उठाया गया है। और ये चीज़ हमें ध्यान रखने कि बिहार पहला स्टेट नहीं है जिसने जो खुली सिगरेट मिलती हैं उनको बैन किया गया है। देखो खुली सिगरेट बैन करने का फ़ायदा क्या है, क्यों गवर्नमेंट ऐसे स्टाफ क्यों ऐसे स्टेप उठा रही है, इसके कुछ रीजन्स इस प्रकार हैं कि देखो क्या है कि जब खुली सिगरेट होती है उस पर कोई वार्निंग वगैरह कुछ नहीं होती, क्योंकि पैकेट होता नहीं है तो ना तो वार्निंग होती है ना ही कुछ लेबल वगैरह होता है। तो उस कंडीशन में क्या है कि जो चाइल्ड जो बच्चे वगैरह होते हैं वो क्या कहते हैं सिगरेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और अगर पैकेट में अगर सिगरेट मिलेगी तो ओबियसली पैकेट काफ़ी महंगा होगा, तो बच्चे क्या कि सिगरेट वगैरह नहीं खरीद पाएंगे। और अभी क्या कि हमारी यूथ है वो सिगरेट की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, क्या क्या कई बार वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करने के चक्कर में। तो गवर्नमेंट चाहती है कि भाई बच्चों के अंदर ऐसी भी कोई लत है वो बुरी लत ना लगे। और उसी के तहत जो कोटा एक्ट है, सी कोप्टा एक्ट है, जो है कि मेनली तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए, उस एक्ट के तहत गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। कोप्टा एक्ट क्या है? कोप्टा एक्ट है सिगरेट एंड अंदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट है, ये 2003 में आया था। इस एक्ट के तहत ये प्रावधान किया गया था कि जो भी सिगरेट्स वगैरह है, जो तंबाकू प्रोडक्ट्स हैं, इनकी सप्लाई है या इनका प्रोडक्शन है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह हुआ या सिगरेट की जो भी कोई क्वालिटी वगैरह, इन सबको कंट्रोल करने के लिए एक्ट है वो बनाया गया है। तो ये चीज़ ध्यान रखने, बिहार और 12th ऐसा स्टेट बना है, 12वां स्टेट है जिसने खुली में सिगरेट बनना मतलब बैन कर दिया कि अब कोई भी सिगरेट लेगा वहाँ पर तो उसे पैकेट में सिगरेट लेनी पड़ेगी, खुली सिगरेट वहाँ पर अलाउ नहीं होगी। तो ये कुछ न्यूज़ थी तो हमने इसे यहाँ पे देख लिया। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वह ये इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के बारे में, तो ये देख लेते हैं क्या है। काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है। सबसे पहली बात ये है कि हमारी देश, ये अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए कि हमारे देश में जो फॉरेस्ट का एरिया है वो 1% बढ़ चुका है, हो चुका है 24.39%। तो अब हमारे देश में 24.39% एरिया में फॉरेस्ट है, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और इसी के साथ जो ये रिपोर्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017, ये हर 2 साल में एक बार जारी की जाती है, ये हमें ध्यान रखना। किसके द्वारा यह जारी की जाती है? फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये चीज़ हमें इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें कुछ डाटा इस प्रकार है कि जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, पूर्वोत्तर एरिया है, उसमें फॉरेस्ट की थोड़ी कमी हुई है, जबकि साउथर्न एरिया है इंडिया का जिसमें केरला है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, उसमें फॉरेस्ट का एरिया है वो बढ़ा है। तो उसमें कुछ बेसिक पॉइंट थे जो हमने यहाँ पे देख लिए। अब चलते हैं हम आगे। अगली जो न्यूज़ है वो आई है फ्रेंड्स ऑफ अर्थ इंटरनेशनल के बारे में, FOEI के बारे में। तो देखते हैं कि FOEI है क्या, कैसे रिलेटेड UPSC क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकती है। तो सबसे पहली बात तो है कि यह एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये 1969 में बना था, 1969 में इसे बनाया गया था। क्या इसका काम है वो भी देखते हैं।
इसका मेनली जो काम है वो है इन्वायरमेंटलिज्म और ह्यूमन राइट्स के लिए है, काम करता है। और इसका मेन फोकस होता है कि एंटी न्यूक्लियर ग्रुप के लिए मेनली बनाया गया था, मतलब जो न्यूक्लियर वेपन है उनका यूज़ ना किया जाए, न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज़ ना किया जाए। देखो इस ग्रुप का मेन मोटो ये था कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली माहौल होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में, और जो भी न्यूक्लियर एनर्जी है उसका यूज़ ना किया जाए, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी के काफ़ी डिसएडवांटेज हैं। जैसे कि ये भी हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले ही जापान के अंदर फुकुशिमा रिएक्टर में हादसा हुआ था, तो काफ़ी लोगों की जाने गई थी और बहुत सा नुकसान हुआ था। तो ऐसे जबकि जापान काफ़ी डेवलप कंट्री है, उसके बाद अगर वहाँ पर ऐसे हादसे हो रहे हैं तो बाकी कंट्रीज अगर न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करें तो उसे काफ़ी डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो मेनली यह ग्रुप इसलिए बनाया गया था ताकि इन्वायरमेंट फ्रेंडली जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको प्रमोट किया जाए, और इसमें बायोडाइवर्सिटी को फोकस किया जाता है, फूड सिक्योरिटी हुआ, इसके साथ क्लाइमेट चेंज इन जैसी चीज़ों को भी फोकस किया जाता है। तो यह चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि है कि सबसे पहली बात तो है कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क है जो कि इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, काम क्या है वो देख लिया कि एंटी न्यूक्लियर ग्रुप है जो कि बायोडाइवर्सिटी फूड सिक्योरिटी इन सब के लिए डील करता है। अब चलते हैं हम आगे, अगली न्यूज है वो है DIB के बारे में। क्या है DIB, इसके बारे में हम देखते हैं जल्दी से। DIB है वो है डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड, तो डेवलपमेंट इंडेक्स बॉन्ड है क्या, इसके बारे में कंटेक्स्ट देखते हैं सबसे पहले, ताकि देखो कंटेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट कई बार इसलिए हो जाते हैं ताकि हमें न्यूज़ अच्छे से समझ में आ जाए। कंटेक्स्ट एक्चुअली ये है कि ब्रिटिश जो प्रिंस हैं वो भी इंडिया के अंदर उन्होंने $10 मिलियन की DIB हैं वो जारी किए हैं। किस लिए जारी किए हैं, ताकि इंडिया के जो चिल्ड्रन एजुकेशन है उसको प्रमोट किया जा सके, और इंडिया में चाइल्ड एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि इंडिया में भी एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है। तो उस दिशा में ब्रिटिश प्रिंस ने $10 मिलियन का DIB वो जारी किए हैं। तो देखते हैं कि DIB अब है क्या। डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड है, यह एक तरीके इस टाइप का, मतलब एजुकेशन के लिए जो इन्वेस्ट का बॉन्ड है, यह एक तरीके का सबसे बड़ा बॉन्ड है देखा जाए तो साउथ एशिया में, मतलब साउथ एशिया में इस टाइप का और कोई बॉन्ड नहीं है, और सबसे बड़ा बॉन्ड है यह जो कि जारी किया जाता है ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट के द्वारा। तो यह चीज़ ध्यान रखनी है कि DIB है क्या, इस पर UPSC पूछ सकती है कि DIB है क्या, यह मेनली में ध्यान रखना है कि ब्रिटिश एशिया ट्रस्ट का है जो कि चाइल्ड एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए काम, जैसे देखा कि इंप्रूव लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए इसके साथ ट्रेनिंग है वो दी जाएगी, मैनेजमेंट को बढ़ाने के लिए, इसका वेस्टर्न एजुकेशन मॉडल है उसको सब बढ़ाने के लिए इस फंड का यूज़ किया जाएगा। तो उसी को लेकर न्यूज़ आई है। देखो बॉन्ड वगैरह वो जारी किया जाता है, उनका ये फायदा होता है कि जो भी पैसा मिलेगा अभी इस बॉन्ड से उस पैसे का यूज़ है वो एजुकेशन के लिए किया जाएगा। तो यह चीज़ हमें थोड़ी यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब चलते हैं आगे आज के क्वेश्चंस की तरफ एक बार। तो सबसे पहले तो हम कल के क्वेश्चंस एक बार वो देख लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था वो था इनकोर के बारे में कि इनकोर है क्या। तो इनकोर है वो है ईस्टर्न नेवल कमांड ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज, जो कि मेनली अभी खत्म हुई है। इसको लेकर कंटेक्स्ट एक्चुअली आया था कि यह एक्सरसाइज है, यह मेनली इंडिया जो नेवी है उसकी वार कैपेसिटी को चेक करने के लिए कि हाँ भाई इंडियन नेवी के हाथ पैर काम करें नहीं करें, उन सबको चेक करने के लिए एक्सरसाइज है वो की जाती है। तो ध्यान रख रहे हैं इनकोर वो एक नेवी एक्सरसाइज है इंडिया की, ताकि इसमें अपनी कैपेसिटी वो अपने आप ही चेक की जाती है। अगला था क्वेश्चन था वो था ऑपरेशन पोलो, जो कि 1948 में जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, उसके बाद हुआ था जब हैदराबाद जो रियासत थी वो अलग होना चाहती थी, अपने आप अलग रहना चाहती थी, उसको मिलाया गया था इसके तहत, ऑपरेशन पोलो के तहत। उसके बाद था ऑपरेशन विजय, तो ऑपरेशन विजय है वो 1961 में गोवा और दमनदीप को अपने इंडिया में इंक्लूड करने के लिए, क्योंकि जो पोर्तुगीज के अंडर थे गोवा और दमनदीप उस टाइम तक, तो जो पोर्तुगीज थे उनको इंडिया से भगाया गया था इस ऑपरेशन विजय के तहत। इसके बाद में था ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन मेघदूत है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी सुर्खियों में भी था रिसेंटली। यह था 1984 में हुआ था, जो कि सियाचिन ग्लेशियर को इंडिया में कवर करने के लिए। सियाचिन ग्लेशियर आपको पता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट एक तरीके से वॉर का जो मैदान है उसके नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगला था वो था ऑपरेशन विराट, ऑपरेशन विराट है वो 1988 में श्रीलंका में किया गया था, क्योंकि वहाँ पर जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनसे निपटने के लिए, और लिट्टे उस टाइम पर आपको पता है वहाँ पर एक तरीके से काफ़ी मतलब खतरनाक साबित होता रहा था श्रीलंका के लिए, तो उस कंडीशन में इंडिया ने वहाँ हेल्प की थी। तो ये कुछ ऑपरेशन थे तो हमने यहाँ पे इनको डिस्कस किया था। अब चलते हैं हम आज के क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है वो है न्यू EEL स्पीसीज के बारे में। EEL स्पीसीज को बोलते हैं बाम फिश, ये एक मेनली जो से सांप के साइज की लंबी फिश होती है उसको बोलते हैं। तो इसकी नई स्पीसीज है वो कहाँ पाई गई है आपको बताना है, क्या वेस्टर्न घाट में पाई गई है, क्या अरब सागर में, क्या बे ऑफ बंगाल में, या नन ऑफ दिस। तो ये आपको बताना है कि नई जो बाम फिश की स्पीसीज है वो भी रिसेंटली कहाँ लोकेट की गई है। इसके बाद में देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वो केम्पा के बारे में, कि केम्पा क्या है इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये एक पक्षी है, इसके बारे में आपको बताना है कि ये क्या है, जो लाला सेंचुरी है जो कि राजस्थान में है इसके अंदर पाया जाता है, क्या आपको ये बताना है कि लाला सेंचुरी राजस्थान में वहाँ पाया जाता है। दूसरा ये है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल फर्स्ट है उसमें है मतलब लिस्टेड है। तो ये आपको बताना कि दोनों में से स्टेटमेंट कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो ये थी आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं आज हमने क्या क्या डिस्कस किया।
आज सबसे पहले हमने आईएपी के जो डाटा है वो चेक किए, कौन कौन सी कोर कोर इंडस्ट्रीज हैं, इसके बाद में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स को देखा। इसी के साथ हमने देखा कि जो साउथ सूडान की लोकेशन देखी, क्योंकि वहाँ पे इंडिया है वो शांति स्थापित करने के लिए अपनी आर्मी है वो भेज रहा है। इसके बाद में हमने देखा कि मुंबई है वो विश्व की 12th रिचेस्ट सिटी है, तो रीजन से हमने देखे। इसके बाद में हमने देखा कि अबू धाबी में विश्व का मतलब इंडिया का पहला सॉरी अबू धाबी में पहला इंडिया का टेम्पल बन रहा है, हिंदू टेम्पल, जो कि मिडिल ईस्ट का पहला हिंदू टेम्पल होगा। इसके बाद में हमने देखा कि लूज सिगरेट है वो बैन की गई है, तो जो कुछ न्यूज की। इसी के साथ हमने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 देखी, जो कि 2 साल में एक बार जारी की जाती है फॉरेस्ट मिनिस्ट्री के द्वारा है, और इंडिया में फॉरेस्ट का एरिया अभी भी 25% से कम है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके बाद में हमने देखा था वो देखा था FOEA के बारे में, फ्रेंड्स ऑफ अर्थ इंटरनेशनल के बारे में, जो कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क है, इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। काम क्या है इसका? इसका काम ये है कि न्यूक्लियर ग्रुप से मतलब न्यूक्लियर ग्रुप से उनका यूज़ ना करना, इसके साथ बायोडाइवर्सिटी और जो फूड सिक्योरिटी है क्लाइमेट चेंज पे फोकस करता है। इसके बाद हमने देखा कि डेवलपमेंट इंपैक्ट बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया, जो कि अभी यूएस के सॉरी ब्रिटिश प्रिंस हैं उनके द्वारा जारी किए गए हैं, और यह मेनली जो फंड इंस्टीट्यूट है उसका नाम है ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट, तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के द्वारा इस फंड को जारी किया गया ताकि इंडिया में जो एजुकेशन है बच्चों के लिए उसको प्रमोट किया जा सके, उसके लिए फंड यूज़ किया गया। तो ये थी आज की हमारी कंप्लीट डिस्कशन। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।